टेंथ क्लास के विद्यार्थी, आज हम लोग फिर केमिस्ट्री की क्लास में शामिल हुए हैं और आप लोग का इंतजार जो फिर क्लास का था वो इंतजार के समय समाप्त हो गया। देखिए आज केमिस्ट्री में हम वहीं से टॉपिक लेकर के चल रहे हैं जहां पे पिछले क्लास में आप लोग को लास्ट कर दिया था। पिछले क्लास में याद कीजिए, बच्चे आप लोग को बताए थे धातु के बारे में, मेटल के बारे में या फिर एलिमेंट्स के बारे में बताए थे कि आखिर ये जो आज 118 में चर्चा होती है कि 92 तत्व एक पृथ्वी पर है, तो एक पृथ्वी पर आखिर 92 को तत्व कहां है और किस रूप में, वो आप पिछले वीडियो में हमने दे चुके थे। तुम लोग के ये सारी बात हमने बतलाई थी कि देखिए इस दुनिया में जितने भी तत्व हैं, ये सब के सब पृथ्वी के भूपटी में, यानी या तो मुक्त अवस्था में पाया जाता है या तो संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। संयुक्त अवस्था का मतलब यौगिक के रूप में पाया जाता है। अब वहीं से कहानी हम आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं कि जो यौगिक के रूप में अगर धातु भूपटी में है तो उसको हम क्या कहेंगे और क्या फिर नहीं कहेंगे हम। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट होने से पहले अपनी कम्युनिटी शो कर दिया जाए, यानी चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए बच्चे, सबसे पहले यानी कि देखा एक खनिज होता है, समझेंगे सब लड़कियां, खनिज जिसको हम लोग मिनरल कहते हैं, क्या बोलते हैं, मिनरल। अब देखिए खनिज की परिभाषा थोड़ा सा जो ग्रंथी में जो लिखता है किताबों में उस किताब से थोड़ा सा हट करके देना होगा केमिस्ट्री में, क्योंकि देखिए तुम लोग को बताए याद किया जाए कि यौगिक जो होता है केमिस्ट्री में, यौगिक दो प्रकार का होता है। तो एक यौगिक देखिए होता है यानी कार्बनिक यौगिक, और दूसरा जो होता है वह यौगिक होता है अकार्बनिक यौगिक। बात समझिए लड़का, देखिए जो ग्रंथी में क्या परिभाषा बोलता है लड़कों को, यानी आपको देखा हो किताबों में, उसको पहले एक बार हम सुना देते हैं, उसको सुन करके तब फिर मेरा केमिस्ट्री का परिभाषा सुनेंगे। जो ग्रंथी में कहता है कि जमीन के अंदर से प्राप्त होने वाले, एनर्जी बोलेगा, जमीन के अंदर से प्राप्त होने वाले पदार्थों को खनिज कहा जाता है। ये ज्योग्राफी का कहना है, मेरा नहीं, ये ज्योग्राफी के किताब लिखता है कि जमीन के अंदर से प्राप्त होने वाले या निकाली जाने वाली जितने पदार्थ होते हैं ये सब को हम खनिज कहते हैं। लेकिन ये बात ज्योग्राफी तक ही सीमित रहता है, केमिस्ट्री में लागू नहीं होते हैं। कारण की सोचिए, जमीन के अंदर से तो पेट्रोलियम भी निकलता है, तब तो पेट्रोलियम को भी खनिज कहोगे, जमीन के अंदर से तो कोयला भी निकलता है, कोयला को भी तुम कहो खनिज है, जमीन के अंदर से बहुते चीज निकल रहा है, तो ज्योग्राफी कहता है कि खनिज है। लेकिन केमिस्ट्री नहीं कहता है, केमिस्ट्री क्या कहता है सुनिएगा, खनिज की परिभाषा कहता है कि पृथ्वी के, ठीक है कॉपी कलम भी आप निकालेंगे, पृथ्वी के भूपटी में पाए जाने वाले वे सभी अकार्बनिक यौगिक, सुनिए यहीं से देखो छठे थे क्या बोलता केमिस्ट्री, पृथ्वी के भूपटी में पाए जाने वाले वैसे अकार्बनिक यौगिक जिनसे धातु या अधातु प्राप्त किया जाता है उसी को खनिज कहते हैं। से एक बार सुनेंगे, पृथ्वी के भूपटी में, कहां भूपटी की बात कर रहे हैं जो अगले दिन फिगर बताए थे, तो पृथ्वी के भूपटी में पाए जाने वाले वैसे अकार्बनिक यौगिक, कैसा यौगिक, अकार्बनिक यौगिक जिनसे धातु या अधातु प्राप्त होते हैं उसे खनिज कहते हैं। बताइए परिभाषा बदल गया।
जबकि जो ग्रफी करा था कि जमीन के अंदर से प्राप्त होने वाले पदार्थ को खनिज कहते हैं, केमिस्ट्री कहता है उसको खनिज नहीं सबको कहते हैं, भले नाम के आगे खनिज पर लग जाए। जैसे केमिस्ट्री का कहना है कि जमीन के अंदर से कोयला निकलता है, ठीक है, लेकिन कोयला से कोई तत्व की प्राप्ति नहीं होती है, याद कर लेंगे। और कोयला कोई यौगिक नहीं है, कोयला एक कार्बन के अपरूप है, ये दिमाग रखिएगा। और हमने क्या बोले हैं कि अकार्बनिक यौगिक, पहले बोल दिए हैं कि अकार्बनिक यौगिक जिनसे धातु या अधातु प्राप्त होता है, तब उसको कहते हैं कि एक खनिज है। अंतर हो गया सूत्र प्रवासन में। तो देखिए अकार्बनिक वर्ड बोलना जरूरी है, अधातु अधातु की प्राप्ति होना जरूरी है। अब अभी बात कर रहा था ज्योग्राफी के अनुसार पेट्रोलियम। सो जो जमीन के अंदर से पेट्रोलियम निकलती है, लेकिन पेट्रोलियम कोई यौगिक नहीं है, याद करना पेट्रोलियम मिश्रण है, बात समझ रहे हो ना। आप मिश्रण को कभी हम खनिज नहीं कह सकते हैं, यौगिक को खनिज कहा जाता है। आप पेट्रोलियम का नाम सुना है, तब पेट्रोलियम को खनिज तेल कह सकते हो कि खनिज तेल है, नॉट खनिज, खनिज नहीं बोला उसको है। कारण कि देखिए पेट्रोलियम से क्या प्राप्त करता है, किरोसिन तेल प्राप्त होता है, उससे डीजल प्राप्त करते हो, उससे मोबिल प्राप्त करते हो, पैराफिन मोम प्राप्त होता है, स्नेहक प्राप्त होता है, एस्फाल्ट जिसको पीच कहते हो और कतरा बोलते हो, इस सब के सब पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। इसलिए पेट्रोलियम को कोई यौगिक नहीं कहना है, पेट्रोलियम मिश्रण है, इसलिए पेट्रोलियम को हम खनिज नहीं कहेंगे, उसको खनिज तेल कह सकते हैं। तो देखा जाए एक खनिज की बात रही। आप जरा देखेंगे सभी लड़के, यहाँ पर खनिज में आपका आया कि खनिज से हम दो चीज प्राप्त करते हैं, धातु प्राप्त करते हैं या अधातु प्राप्त करते हैं, इसलिए कहते हैं खनिज दो प्रकार का होता है। तो एक धात्विक खनिज है और दूसरा अधात्विक खनिज है। अगर बोलते हैं कोई आदमी का धात्विक खनिज किसको कहते हो, तो कहते हैं कि जिसको से हम धातु प्राप्त करते हैं। तो जिस खनिज से धातु प्राप्त करते हैं उसको मेटालिक मिनरल कहते हैं, उसको धात्विक खनिज कहते हैं। माने धात्विक खनिज से हम कौन सी प्राप्त करेंगे, यानी धातु प्राप्त करेंगे, मेटल प्राप्त करेंगे। अधात्विक खनिज से अधातु प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे खनिज को दो भाग में बांट दिया, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। अब सुनिए एक बार आया था यहाँ पर, याद करेंगे, यानी गैन, ठीक है। तो गैन होता है, या हम लोग इसी को मैट्रिक्स कहते हैं, समझिए मैट्रिक्स बोलते हैं, या इसी को हिंदी में और कहते हैं आधात्री भी कहा जाता है, या इसी को देखा या और नाम देना चाहते हो तो आप द्रव्य कहते हैं, समझिए। इसके बारे में कोई पूछे कि गैन या मैट्रिक्स किसको कहते हैं, तो सोचना सब लड़कन तुम लोग कि जमीन के अंदर खोदाई करके और कोई पदार्थ तुम निकाल रहे हो, तो बताओ क्या वो पदार्थ एकदम शुद्ध रूप में रहेगी, नहीं रहेगा, क्योंकि एक तो मैट्रिक है जमीन के अंदर से निकाल रहे हो, उसमें मिट्टी कीचड़ पान के पाका कहते हो, या उसमें चूना पत्थर है, आयरन ऑक्साइड है, पत्थर है, वो सब मिक्स रहता है। इसलिए हम लोग कहते हैं, अगर कोई भाषा रूप में बोलेगा गैन या मैट्रिक्स को कहता है, गैन या मैट्रिक्स किसको कहते हैं, तो कहते हैं खनिज, ठीक है, खनिज में मौजूद अशुद्धियों को, ठीक है, खनिज में मौजूद अशुद्धियों को गैन कहा जाता है। क्या कहते हैं, गैन कहते हैं। उल्टा जैसे बोलो तो बोलेंगे कि बालू पत्थर, ठीक है, कीचड़ चूना पत्थर अभरक आयरन ऑक्साइड, ठीक है ना। तो ये सब जो होता है अनुपयोगी है। फिर से एक बार समझिएगा, खनिज में उपस्थित अशुद्धियों या बेकार पदार्थ अवांछित पदार्थ को गैन कहा जाता है। देखकर मतलब हुआ कि खनिज में दो चीज रहता है, खनिज में देखिए या तो धातु अधातु रहते हैं
और साथ में उसके साथ गैंग मिनरल आता है। गैंग का मतलब समझ गया तुम लोग, मिट्टी हो गया, बालू हो गया, पत्थर हो गया, कीचड़ हो गया, चुना पत्थर हो गया, ये जो फालतू फालतू चीज उसमें जो मिक्स हुआ है उसी का नाम होता है मैट्रिक्स, या उसी को कहते हैं गैंग। क्लियर है? अब देखा गया है गैंग या मैट्रिक्स तुम लोग सब लड़के समझ गया होगा। अब देखिए जरा समझिएगा कि धात्विक जो खनिज है, इस धात्विक खनिज को आप चाहे तो दो भाग में बांट सकते हैं। समझिए, एक वैसा धात्विक खनिज होता है जिसमें कहते हैं, याद रखिए, गैंग की यानी प्रतिशत मात्रा अधिक हो। ठीक है, गैंग की प्रतिशत मात्रा अधिक हो। और देखिए कहता है कि धातु की यानी प्रतिशत मात्रा कम हो। ठीक है, ये समझिए, पहला खनिज ऐसा होता है। दूसरा खनिज वैसा मिलेगा आपको मार्केट में कि जिसमें कहता गैंग की प्रतिशत मात्रा यानी कम हो और साथ में कहे कि धातु की प्रतिशत मात्रा यानी अधिक हो। समझिए सब करना। अब देखिए, अब यहां धात्विक खनिज मार्केट में दोनों तरह का आता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में तुम लोग को बताते हैं कि मान के चले कि आप मार्केट में चावल खरीदने गए हैं, देखता हुआ दुकानदार के पास है चावल की कई सारा बोरियां होती है और उसमें आप लोग चूज करते हैं कि कौन चावल ले। अब कोई दुकानदार आपको दो तरह की चावल दिखा रहा है, एक वैसा चावल है कि जिसमें चावल कम है और भूसा ज्यादा है, एक वैसा है जिसमें चावल ज्यादा है भूसा कम है। अब आप लोग सोचिए कि कौन से आके चावल कर दोगे, तो यही कहोगे कि जिसमें चावल की मात्रा ज्यादा हो और भूसा की मात्रा कम हो। ये ना कहेगा वही आदमी सोचे, कम भी पढ़ा लिखा लोग है और हाथ में जैसे उठा के देखेगा वो कहेगा कि नहीं इसमें चावल ज्यादा है भूसा कम है, इसका मतलब तो खरीदेगा वही। तो एक मतलब है कि देखिए कंपनी वाला जो होता है जो कहता है वहां पर तांबा का निष्कर्षण होता है, लोहा का निष्कर्षण है, जस्ता का निष्कर्षण है, चांदी का निष्कर्षण है, एक मतलब कि मार्केट में सरकार के पास दोनों तरह की खनिज है। अब तुम पर निर्भर करता है कि तुम कौन खरीदोगे। पहला कह रहा है इसमें गैंग ज्यादा है धातु कम है, इसमें कहता है गैंग कम है धातु ज्यादा है, तो निश्चित रूप से सभी बच्चे आप लोग कहेगा कि सर सेकेंड वाला हम चुनेंगे, कारण कि इसमें गैंग कम है और धातु ज्यादा है। तो सोचिए कि जिसमें गैंग कम है और धातु ज्यादा है इसी को अयस्क कहा जाता है, याद समझिए सबके, इसी को ओर्स कहते हैं। ठीक है, अब कोई आदमी कहेगा तो चलिए अयस्क की परिभाषा बोलिए। ठीक है, तो अयस्क की परिभाषा क्या बोल रहे हैं आप लोग सुनेंगे भी और लिखेंगे। देखिए यहां बोलते हैं कि वैसे धात्विक खनिज, चूंकि बोल दिया पहले धात्विक खनिज के दो भाग हो गया है, तो वैसे धात्विक खनिज, ठीक है, जिसमें गैंग की प्रतिशत मात्रा कम हो और धातु की प्रतिशत मात्रा अधिक हो, तथा जिनसे कम से कम खर्च में धातु प्राप्त किया जाता है। फिर से एक बार, वैसे धात्विक खनिज जिसमें गैंग की प्रतिशत मात्रा कम हो, गैंग की प्रतिशत मात्रा, गैंग माने कचरा, ठीक है ना, तो गैंग की प्रतिशत मात्रा कम हो और धातु की प्रतिशत मात्रा अधिक हो, तथा जिनसे कम से कम खर्च में धातु प्राप्त किया जाता है, कम से कम खर्च में धातु प्राप्त किया जाता है उसी का नाम अयस्क होता है। क्लियर है? तो देखिए, यानी कि यहां पर एक ऑब्जेक्टिव बात निकलती है, बताओ खनिज में धात्विक खनिज भी है और धात्विक खनिज भी है, और धात्विक खनिज में भी दो तरह की बात आ गया, तो सभी धात्विक खनिज को हम अयस्क में खनिज तुमने कह रहे हो,
सभी खनिज को हम अयस्क नहीं कहेंगे, लेकिन सभी अयस्क को खनिज हम कहेंगे। क्लियर है? देखा जाए क्योंकि खनिज में आ गया दोनों तरह की बात, धात्विक खनिज भी है और धात्विक खनिज है। कोई आदमी पूछेगा कि क्या अधात्विक खनिज को भी अयस्क कहोगे, तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि अयस्क जो होता है वो धात्विक खनिज को कहते हैं, अधात्विक खनिज में भी सबको नहीं कहते हैं, जिसे धातु प्राप्त करने में हमको कम से कम खर्चा लगता हो, कम से कम पैसे में धातु प्राप्त होता हो। सोचिए कोई कंपनी की बात करते हो, तब कोई भी कंपनी वाला क्या सोचेगा कि कम से कम खर्च में हम ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाएं। तब कम से कम खर्च में ज्यादा मुनाफा कमाना चाह रहा है तो सोचो उस स्थिति में क्या सोचेगा वो, कि वैसा अयस्क हम चुने, वैसा खनिज चुने जिसमें हमको धातु ज्यादा रहे और धैर्य कम रहे। है? तो देखा जाए यहाँ पर इसलिए कहना है तुमको कि सभी अयस्क को हम खनिज कह सकते हैं। क्लियर? सभी अयस्क को खनिज कह सकते हैं, लेकिन सभी खनिज को अयस्क नहीं कह सकते। क्लियर है? यहाँ पर कभी कभी पूछ देगा कि अयस्क का खनिज में अंतर बताओ, एक बात बोलना है कि सभी खनिज को अयस्क नहीं कह सकते हैं, लेकिन सभी अयस्क को हम खनिज कह सकते हैं। अब यहाँ पर बात रही धात्विक खनिज को देखिए हम बांट दिया दो बात में, लेकिन इसमें से आपने अयस्क जो है केवल एक ही को कहा, और वो केवल किसको कहा जिसमें धातु की मात्रा ज्यादा है। तो देखिए अब यहाँ पर सवाल उठता है अयस्क यानी जिसको कह रहे हो ओ, ठीक है समझिए। अब अयस्क की परिभाषा समझ गया, जिसमें हमने पहले ही बोल दिए हैं कि कम से कम खर्च में, ठीक है ना, कम से कम खर्च तथा यानी सुगमता पूर्वक, कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए, यानी सुगमता पूर्वक है, ठीक है, धातु प्राप्त किया जाता है या धातु का बोलते निष्कर्षण होता है। निष्कर्षण का मतलब समझिए यानी प्राप्त करना। तो देखिए अयस्क में ये दिमाग में रखना है कि जिस अयस्क से धातु प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं हो, सुगमता पूर्वक बोले हैं, एकदम आसानी से और कम से कम खर्चा में अगर वो प्राप्त हो जाता है तो बोलते हैं कि ये अयस्क है। आप देखा जाए अयस्क भी कई प्रकार का होता है, याद रखेंगे सब लड़के। तो अयस्क को कहते हैं कई प्रकार का होता है, तो अयस्क की संरचना याद करिए, अयस्क जो होता है एक बात और दिमाग में नोट कर लेगा कि अयस्क जो होता है क्रिस्टलीय होता है। अयस्क क्या होता है? क्रिस्टलीय कहते हैं जिसको हम लोग रवेदार कहते हैं। क्या कहते हैं? रवेदार। तो यहाँ पर एक बड़ा समझ सकते हो तुम लोग, देखिए ठोस रबा, रबा में होता है ठोस, रबा का मतलब ठोस। तो देखिए दुनिया में ठोस में होता है दो तरह का, एक होता है क्रिस्टलीय, एक होता है अक्रिस्टलीय, मतलब एक रवेदार एक बेरवेदार। एक मतलब अयस्क होता है क्रिस्टलीय, ये दिमाग में रखिएगा। अब कोई आदमी तुमसे पूछे तो क्रिस्टलीय की परिभाषा बताओ, तो कहते हैं कि वैसा ठोस पदार्थ, ठीक है, वैसा ठोस पदार्थ जिसका एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, वैसा ठोस पदार्थ जिसका एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है उसी को क्रिस्टलीय कहते हैं। और अयस्क जितना भी होता है सब के सब क्रिस्टलीय है, बस रहे हो, जिसका एक निश्चित आकृति होती है। जैसे कि समझिए ये अयस्क जमीन के अंदर से जब भी प्राप्त करोगे तो ये क्या करिए एक चट्टान के रूप में प्राप्त होता है, किस रूप में? चट्टान के रूप में प्राप्त होगा ये। तो जैसे चट्टान के रूप में तो कोयला भी प्राप्त होता है, लेकिन पहले ही बोलते हैं कि कोयला को हम अयस्क नहीं कहेंगे, कोयला को खनिज नहीं कहेंगे, कारण खनिज उसी को कहते हैं जिससे हमको धातु या अधातु प्राप्त होता है। लेकिन कोयला से न तुमको धातु प्राप्त होगा और न अधातु प्राप्त होगा। दूसरी बात, कोयला कोई क्रिस्टलीय चीज नहीं है,
कोयला के बारे में कोई पूछे कि कोयला की संरचना क्रिस्टलीय है कि अक्रिस्टलीय, तो बोलेंगे अक्रिस्टलीय। कोई कहे क्यों, तो कहना कि कोयला का कोई ज्यामिति आकृति नहीं होती है। ज्यामिति बोल रहे हैं ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल का मतलब क्या, जैसे कभी सुना होगा नाम हीरा का, कि हीरा की आकृति चतुष्फलकीय होती है। तो चतुष्फलकीय जो बर्ड बोला, ये ज्योमेट्रिकल बर्ड बोला। कहते हो ग्रेफाइट का नाम सुना है, कहता है ग्रेफाइट षष्ठकोणीय होता है, षष्ठकोणीय देखे बोरा, ज्योमेट्रिकल बर्ड बोरा है। एकर मतलब कि जिस ठोस का कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है उसी को कहते हैं क्रिस्टलीय, और अयस्क जो होता है क्रिस्टलीय होता है। इसलिए पहले ही बोले कि पेट्रोलियम को भी हम अयस्क का खनिज नहीं कहेंगे, कारण पेट्रोलियम ठोस नहीं होती है, पेट्रोलियम भी द्रव होता है, और द्रव तो पहले ही छट गया, कारण कि अयस्क जो होता है ठोस, और ठोस होता है कौन ठोस, क्रिस्टलीय। या तेरे ठोस भी दो प्रकार के, एगो क्रिस्टलीय एगो अक्रिस्टलीय, माने एक निश्चित ज्यामिति आकृति वाला और दूसरा अनिश्चित आकृति वाला। तब जिसका निश्चित ज्यामिति आकृति होती है उसको कहते हैं क्रिस्टलीय, और अयस्क जो होता है क्रिस्टलीय है। एकर मतलब कि अयस्क का, दुनिया में जितनी भी अयस्क होते हैं सबका एक निश्चित ज्यामिति आकृति होती है, ये बात याद रखिएगा। तो अयस्क बोलने के पहले कई बात समझा दिए, अयस्क के लिए अकार्बनिक यौगिक बोलना है, अयस्क के लिए क्रिस्टलीय ठोस बोलना है, और क्या बोलना है कि कम से कम खर्च में आसानी से धातु जहां प्राप्त होती है उसी खनिज का नाम अयस्क होता है। क्लियर है? अब देखेंगे सर बच्चे यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ पर खनिज और अयस्क में फर्क समझा। ये जमीन के अंदर से निकलने वाले सभी पदार्थ को हमने अयस्क नहीं कहा, खनिज नहीं कहा। ये भी बात आप लोग बोलिए जो दिमाग में रखेंगे, या फिर वीडियो की मने स्पीच को सुनकर के समझेंगे कि सर ये अयस्क किसको कहने के लिए बोले हैं। सब को हम अयस्क नहीं कहेंगे, सब को खनिज नहीं कहेंगे, बल्कि उसके लिए शर्त होना चाहिए। आप देखिए अयस्क हमने बोल रहे हैं कि अयस्क कई प्रकार का होता है, याद रखिएगा सर। अयस्क में देखिए पहला अयस्क पर हम फोकस डाल रहे हैं, तो देखिए पहला जो अयस्क होता है वो ऑक्साइड के रूप में रहता है, समझिए। तो ऑक्साइड अयस्क कहते हैं, मतलब कि जो अयस्क के पीछे में याद कर लिया कि ओ लग जाए, तो ओ का मतलब हो गया ऑक्साइड। जैसे कि बता रहे थे हमने कि देखा जाए यानी Fe2O3 का दिया, जैसे बताइए सर लड़के Fe3O4 का दिया, जैसे कि बताइए आपने कहा कि HCl O2 का दिया, जैसे आपने बोला कि Cl2O बोल दिया, जैसे कि देखते हो कहता है चलो यहां से ZnO का दिया, नहीं इसी तरह से बताया सब लड़के कि जैसे देखता Al2O3 का दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से जितने बहुत सारे चीज देखते हैं कि जिसके पीछे में सब में हम क्या लगा रहे हैं, ओ लगा रहे हैं, नहीं लेकिन इसको यौगिक जैसा नहीं पढ़ना है। तब पढ़ोगे कैसे इसको, तो देखा Fe2O3 में देखो लोहा है, यहाँ भी लोहा है, मतलब लोहा का अयस्क है, और इसी को कहता है कि हेमेटाइट हो गया। क्या बोलता है, हेमेटाइट बोलते हो। इसी को देखिए हम लोग Fe3O4 जिसको मैग्नेटाइट कहते हैं, क्या कहते हैं, मैग्नेटाइट कहते हैं। जैसे ZnO जिसको जिंकाइट कहते हैं, क्या कहते हैं जी, जिंकाइट बोलते हैं। जैसे कि HCl O2 जिसको हम तीन स्टोन कहते हैं, क्या बोलते हैं, तीन स्टोन। देखो सब के लास्ट में देखो ओ लगा रहे हैं, पहले ही लिख दिया कि ऑक्साइड है। अब जैसे Cl2 है, इसी को क्यूप्राइट कहते हैं, क्या बोलते हैं, क्यूप्राइट बोलते हैं। Al2O3 जिसको कोरंडम कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कोरंडम। तो देखेंगे सर विद्यार्थी यहाँ पे
कि जिस अयस्क के लास्ट का जो अक्षर है अगर ओ है तो ओ है तो समझे कि आपका ये ऑक्साइड अयस्क कहलाएगा। कौन अयस्क कहलाएगा? ऑक्साइड। ऐसे ऐसे बहुत सारा और भी होते हैं, इतना ही लास्ट नहीं है, बहुत सारा भी मतलब ऐसे है ऑक्साइड के रूप में रहते हैं। ये तो मात्र लोहा को पकड़े हैं, जस्ता पकड़े हैं, या ऐसे टीन को पकड़े हैं, तांबा लिए हैं, अल्यूमिनियम लिए हैं, लेकिन आप लोग पहले ही बोले हैं कि धातु में तो बांधे भी धातु है, ठीक है। अब इसी को जैसे कि मानते हैं MnO2 कहते हो, जैसे इसी में मानते हैं कहता है कि THO2 कहते हो, ठीक है, तब यहाँ पर देखा जाए बोलते हो। अब एसी को देखा जाए MnO2 कहते हैं तो एसी को पायरोलुसाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं? पायरोलुसाइट। एसी को कहते हैं मोनाजाइट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मानते हैं U3 है O8 है तो एसी को हम लोग पिच ब्लेड कहते हैं। ये यूरेनियम का अयस्क है, ये थोरियम का अयस्क है, ये मैंगनीज का अयस्क है, ठीक है, लेकिन सब के पीछे में देख रहे हो वो लगा हुआ है। तो जिसके पीछे में वो लग जाता है ये समझ जाना सभी विद्यार्थियों को कि आपका ऑक्साइड अयस्क है, क्लियर। लेकिन वही देखा जाए दूसरा जो अयस्क होता है वह देखा जाए सल्फाइड अयस्क होता है। कौन अयस्क है? सल्फाइड अयस्क। देखा जाए यानी कि ऑक्सीजन जो है ये भी ग्रुप नंबर 16 का तत्व है और सल्फर ये भी ग्रुप नंबर 16 का तत्व है। यहाँ पर ऑक्साइड अयस्क ने बोला कि इसके लास्ट में देखा जाए आपका ओ रहेगा, उसके लास्ट में ओ रहेगा तो यहाँ पर बोला कि इसके लास्ट में एस रहेगा, एस सल्फाइड अयस्क रहेगा। जैसे कि आपको बोलता है याद करेंगे सभी लड़के कि ZnS है, ठीक है। जैसे कि कहता है कि CuFeS2 है, जैसे कि बोलता है खाली कि FeS2 है, ठीक है। अब बताओ सबके पीछे में क्या लगा रहा है? S। अब S लगाते हो तो AC को कहता है कि जिंक ब्लड है। क्या बोलते हैं? जिंक ब्लड है। जैसे कहता है कि कॉपर पाइराइट है, ठीक है, तो यहां पर देखा जाए कॉपर पाइराइट्स बोलते हैं। जैसे इसी को देखा जाए आयरन पाइराइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, आयरन पाइराइट्स बोलते हैं, ठीक है, तो आयरन पाइराइट्स हो गया। अब देखा जाए तो जिसके पीछे में एस अगर लग जाएगा तो समझ जाना कि सल्फाइड अयस्क है, और जिसके पीछे में ओ लग जाएगा ये समझिएगा ऑक्साइड अयस्क है। इसी तरह से अभी और भी कमल अयस्क के प्रकार आते हैं जिनसे हम लोग प्राप्त करेंगे धातु, जैसे कि मानते हैं ऑक्साइड के रूप में बोल दिया, यहाँ पर सल्फाइड के रूप में बोल दिया, आगे हम लोग देखते हैं हाइलाइट के रूप में आता है। तब ये देखिए ग्रुप नंबर 16 से लिए हैं ऑक्सीजन भी, देखिए आपका ग्रुप नंबर 16 असल पर ये ग्रुप नंबर 16, लेकिन हाइलाइट ये ग्रुप नंबर 17 में आता है, क्लियर है। तो देखा जाए ग्रुप नंबर 17 की बात करते हो, अब ग्रुप नंबर 17 में आता है जो अयस्क है वह अयस्क देखा जाए आपको आप बोलते हो कि हाइलाइट अयस्क है, समझिए हाइलाइट अयस्क बोलते हैं। हाइलाइट बना हाइड्रोजन से, याद रखे सब लड़के, ता हाइड्रोजन जितना भी होता है ये ग्रुप नंबर 17 में आता है। जैसे बताया कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। अब जिस अयस्क के नाम के पीछे या रासायनिक सूत्र में अगर F लग जाए, Cl लग जाए, Br लग जाए, I लग जाए तो समझिए ये हाइलाइट अयस्क है। जैसे कि तुम लोग कहते हो कि Na3AlF6 है, ठीक है, देखिए बताओ यहाँ से हाइड्रोजन लगा दिया ये। जैसे कि बताइए कि आप लोग कहते हैं कि NaCl है, देखिए Cl लगा दिए। जैसे कि बताइए आप लोग कहते हैं कि CaF2 है, ठीक है, यहाँ भी देखिए एक लग गया। जैसे कि बोलता है
HCl है, नहीं देखा यहाँ पर देखो फ्लोरीन लग गया, यहाँ भी Cl लग गया, यहाँ क्लोरीन लग गया, यहाँ Cl लग गया। अब यहाँ पर देखिए ये अयस्क के रूप में अगर है तो इसका नाम जो है आप लोग को अलग रखना पड़ेगा। ये यौगिक जैसा नहीं बोलना है कि ये नमक हो गया, तो नमक तो शुद्ध होता है लेकिन अयस्क भले ही बोले अशुद्ध होता है। अयस्क में बहुत सारा गैंग है लेकिन अगर पड़ा कि साधारण नमक है एक मतलब की तभी अयस्क नहीं है, तब अयस्क के रूप में इसका नाम रखेंगे, इसको कहेंगे रॉक साल्ट है। समझ लो कि बच्चे अब रॉक साल्ट है एसी को सेंधा नमक कहते हो, अब एसी सेंधा नमक से सोडियम धातु प्राप्त होता है। जैसे कि यहां पर देखिए फ्लोर अस्पार है, तब फ्लोर अस्पार है यहां से देखिए कैल्शियम का देखिए अयस्क है। जैसे एसी को बोलते हैं कि हॉर्न में सिल्वर है, याद रखेंगे हॉर्न में सिल्वर है, ठीक है, यहां पर देखा जाए कि सिल्वर धातु का अयस्क है। यहां पर देखिए क्रायोलाइट बोलते हैं कि क्रायोलाइट है, ठीक है, ये देखा जाए अल्युमिनियम का अयस्क है। तो ये अल्युमिनियम धातु का है, ये सोडियम धातु का है, कैल्शियम धातु का है, सिल्वर धातु का है, तो ये सब जो थे देखिए सब के पीछे में हाइड्रोजन ग्रुप का तत्व लगल है, इसलिए इसको हैलाइड अयस्क कहते हैं। लेकिन यही कर दे कि Cu2S कर दिया तब इसको कॉपर ग्लांस बोला जाता है, यानी कॉपर ग्लांस हो गया, तो एस लगा दिया सल्फाइड हो गया, लेकिन एस लगाया तो हाइलाइट हो गया। तो इस तरह से कहने का मतलब मेरा ये है कि अयस्क का जो नामकरण करते हैं वह नामकरण करते हैं और धातु के नाम के आधार पर, यानी कि जैसे कि यहां पर देखा अधातु में पीछे ओ लगल था, यहां पर अधातु के रूप में एस लगल था, यहां पे अधातु के रूप में हाइड्रोजन लगा था। इसलिए आज मैं यहीं पर यानी तीन वो अयस्क की जानकारी दिए हैं, ये सब नाम जो लिखे हैं ये सब कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद चौथा अयस्क की जानकारी फिर अगले क्लास करेंगे। तो आज यहीं पर क्लास को स्टॉप करते हैं, धन्यवाद, गुड नाइट।